जय श्री कृष्ण, जय मोमाय। आज का हमारा विषय है हम दरिद्र से दरिद्र व्यक्ति करोड़पति कैसे बन सकता है। छोटे मोटे उपाय करके आप बोलोगे ये तो हो ही नहीं सकता। हो सकता है, आप कितने भी दरिद्र क्यों न हो, पर छोटे मोटे जो आज मैं आपको उपाय दे रही हूँ वो आपने कर लिए तो आपको करोड़पति बनने से कोई रोक नहीं सकता। सबसे पहले शुक्रवार के दिन सात मुखी रुद्राक्ष लाइए और उसे गंगा जल से, स्वच्छ जल से, गंगा जल से, पंचामृत से पहले उसे साफ कीजिए। उसको ओम नमः शिवाय के 108 मंत्र बोलिए, उसे सिद्ध कीजिए और उसके बाद सात मुखी रुद्राक्ष लाल धागे में बांध के आपको अपने गले में पहन लेना है। ये हो गया एक उपाय। नंबर दो, आप घर से रोज निकलते हो, घर से निकलते समय रोज नियम बना लीजिए कि घर की एक रोटी हमें गाय माता के लिए ले जानी है। गाय माता में क्या है, 33 कोटि देवता है, 33 कोटि जिसे कहते 33 करोड़ देवी देवता का वास है और हमारे घर की बनी हुई एक रोटी हम गाय माता को खिलाएंगे और उसकी पीठ के ऊपर हाथ रखेंगे, सहलाएंगे तो आप देखेंगे आपके शुक्र की होरा मजबूत होने लगेगी, आपके जीवन में सुख प्रारंभ हो जाएगा। हो गए दो उपाय। नंबर तीन, रोज सुबह हम उठते हैं, घर में झाड़ू मारते हैं, सबको पता है घर में झाड़ू मार लिया बाद में क्या करना है, हमारा जो उम्रा है जिसे हम दहलीज कहते हैं तो घर का मेन गेट है वहाँ पे साफ सफाई करने के बाद जल का छिड़काव कीजिए आप। उससे क्या होता है, उसे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और उसके लिए हमारे घर के दरवाजे खुल जाते हैं और वो अंदर घर में प्रवेश करती है। नंबर चार, एक काम कीजिए, 1.25 किलो गुड़ लीजिए, 1.25 किलो गेहूं का आटा लीजिए, दोनों को मिक्स करके उसकी रोटी बनाइए गुरुवार के दिन और वो रोटियां आप गौशाला में जाके गायों को खिला दीजिए। कौन से दिन, गुरुवार के दिन। इससे भी आपके घर में बरकत आना स्टार्ट हो जाएगी क्योंकि गाय को जा रही है, गाय में, गाय को शुक्र की होरा माना जाता है और उससे हमारे घर में लक्ष्मी का आगमन होता है। नंबर पांच, शुक्रवार के दिन महालक्ष्मी का चित्र मिले तो ठीक है, मूर्ति मिले तो ठीक है, आप मूर्ति अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, आप महालक्ष्मी का चित्र लाइए। 11 दिन तक गाय के घी का दीपक महालक्ष्मी के पास करिए, गुलाब का फूल रखिए उनके चरणों में, गुलाब की सुगंधमय अगरबत्ती लक्ष्मी माँ को अर्पण कीजिए। 11 दिन बाद 11 कन्याएं, छोटी छोटी कन्याएं होती है, उन्हें अपने घर बुलाइए और उन्हें खीर खिलाइए। क्या खिलाना है, दूध से बनी हुई दूध और चावल की खीर खिलाइए। दक्षिणा में क्या देना है, खीर तो खिला दी, 1 रुपए का सिक्का, रुमाल और मेहंदी का पैकेट और बिना मसाले के जो पान आते हैं, आपने सुना होगा
जो पान वाले की दुकान में बिना मसाले बिना तंबाकू के भी पान मिलते हैं, जिसे हम कन्याओं को खिला सकते हैं, वो एक पान। इस तरह की चार चीजें लेके आप कन्याओं को 11 कन्याओं को दे दीजिए। आपने ऐसा ये छोटे मोटे उपाय अगर स्टार्ट कर दिए, आप देखोगे आपके घर से दरिद्रता जा रही है और आपके आमदनी के इनकम के रास्ते खुल रहे हैं। धीरे धीरे आप देखेंगे 6-8 महीनों में आपका जीवन स्तर है जो थोड़ा ऊंचा आने लग जाएगा। पर कुछ भी करो, प्रयास तो हर चीज का इंसान को करना चाहिए। हमने ये प्रयोग कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि अब हमें बिना कमाए पैसे मिलेंगे। कमाने के भी हमें प्रयास उतने ही चालू रखने चाहिए। अगर हम मेहनत करेंगे तो भगवान हमें फल जरूर देगा। आशा करती हूँ आज का विषय आपको जरूर पसंद आएगा। जय श्री कृष्ण, जय मोमाया।